कितना अखंड हो, कितना निरंतर हो कि दूसरे स्मरण के लिए अवकाश न रहे। भाई कब करे स्मरण, मन कहीं खाली हो तब न। हम बात करते हैं बड़ी ऊंची ऊंची, पर अगर हम अपने मन को देखें तो मालूम होता है कि मन नरक में है। गोपियों की बात करते हैं, गोपियों के लिए भगवान ने ये स्वयं कहा था मन मनस्का है। गोपियों के मन में श्री कृष्ण का मन काम करता है और कोई मन उनका अपना है ही नहीं, तो और चीज तो उसमें आने की गुंजाइश तब होगी जब मैं अपना हूं। भगवान का मन जिनका मन बन जाता है, हम बात उनकी करें, और हमारे मन में जगत का कलुष भरा हुआ हो, जगत के पाप भरे हुए हो, तो उसका फल क्या होगा। तो इन पापों को निकालने का रास्ता यही है, इन सब चीजों से आती भी हो अगर ये मन में दोष से, तो इनको जगह न दे, मैंने इनका विस्तार हो, इस प्रकार की कोई क्रिया न करे, चर्चा न करे, उसकी आलोचना न करे, किसी से कहे सुने नहीं, अंदर ही अंदर उस जहर को पीकर उसे अमृत बना दे, और उसके बदले में भगवान की स्मृति शुरू कर दे कि कहाँ का पाप आ गया, जीवन थोड़ा सा, इस जीवन में क्या दुश्चिंताओं के लिए भी अवकाश मिलना चाहिए, क्या बुरी बातें सोचने के लिए और कहने के लिए भी समय मिलना चाहिए, कहाँ समय है, कितना जीवन है, इस जीवन का तो एक एक क्षण भगवान ने लगना चाहिए, एक एक क्षण भगवान की स्मृति में लगना चाहिए, कि और चीज मन में आवे नहीं, और आवे तो बस रोने लगे, माया जी क्या हो गया, ये आपके स्थान में, ये आपकी जगह पर क्या पाप आके बैठ गया, महाराज इसको निकाले, असमर्थ हो अपने तो रोने लगे, भगवान से प्रार्थना करे, भगवान के सामने रोवे, भगवान से मन से कहे कि नाथ ये बड़ी दुर्दशा हो गई हमारी, हमारे मन में ये चीज क्यों आ गई, ये नरकागार क्यों बन गया। उसको वो नरक में रहता है और उसके मन में नरक रहता है जो भगवान को छोड़कर जगत की स्मृति करता है। ते नर नरक रूप जीवत जगत भव भंजन पद विमुख अभागी। कहते हैं कि उन लोगों का जीवन जो है वो जगत में नरक रूप है और वो अभागे हैं जो भव भंजन पद विमुख हैं। भव का भंजन करने वाले भगवान के चरणों से जो विमुख हैं वो अभागे हैं और उनका जीवन नरक रूप है। तो इस प्रकार की दुश्चिंता दुष्ट चर्चा से हमेशा बचता रहे, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपने भवन बुहार। संतों की बात है भाई, दोष दिखते हो देखने हो तो अपने देखो और अपने घर को साफ करो, इसी मैल को निकालो, दूसरों के दोषों को न देखो न चर्चा करो न चिंतन करो। अरे भी दोष किसमें नहीं है, हमारे में क्या कम है, और यदि दोष किसी में है ही तो क्या हमारे चिंतन से दूर हो जाएंगे। तो निरंतर इस प्रकार की चेष्टा करनी चाहिए कि पर दोष पर चर्चा पर निंदा का हमारे जीवन के साथ स्पर्श न हो। यदि कहीं परख चीज आवे भी, नारद बड़ा अच्छा आवे भी, तो गुण किया
जिसको देख करके हमारे मन में प्रीति उत्पन्न हो, जिसको देख करके दूसरे का सुख हमें सुहावे, दूसरे के सुख में हमें प्रसन्नता हो,